चलिए, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द सीजीपीएससी कोच में। तो कल गति के ऊपर एक पहला वीडियो जो जिसमें गति के परिचय के ऊपर हमने चर्चा की थी वो कल हमने अपलोड किया था। और कल के वीडियो में हमने बताया था कि गति के समीकरण और गति के नियम के ऊपर दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए अभी हम गति के समीकरण और गति के नियम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं गति के नियम, ठीक है भाई, लॉ ऑफ मोशन है ना। तो इसको लेकर के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हाल ही में जो सीजीपीएससी प्री की प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्री का एग्जाम हुआ, उसमें भी इसको लेकर के एक प्रश्न आया था। तो हम सभी जानते हैं गति के तीन नियम हैं। कितने नियम हैं? तीन नियम हैं। किसने दिए? न्यूटन ने, सर आइजेक न्यूटन ने ये गति के तीन नियम का प्रतिपादन किया हुआ है। तो जो पहला नियम है इसको हम जड़ता का नियम कहते हैं। जो पहला नियम है इसको हम जड़ता का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा, अभी सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम था उसमें यही प्रश्न पूछा हुआ था कि गति के प्रथम नियम को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो संवेग का नियम है। तो अभी इसके ऊपर भी सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो उसको वो प्रश्न किस टाइप से था, संवेग को एक्सप्रेस करते हुए मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरह से गति के तीन नियम है, जड़ता का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सबसे पहले हम जड़ता का नियम के ऊपर चर्चा करते हैं। जड़ता का नियम में ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेटमेंट ये है कि कोई भी वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी, या कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी, यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पे किसी भी प्रकार का बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स। कब तक? जब तक उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, ठीक है भाई। तो ये जो है जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी बल आरोपित न किया जाए। और इस तरह से जड़त्व के नियम के दो भाग हो जाते हैं, एक कहलाता है विराम का जड़त्व, और दूसरा हो जाता है गति का जड़त्व, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहां से प्रश्न कैसे होते हैं। तो यहां से जो प्रश्न होते हैं वो उदाहरण पर आधारित होते हैं, बहुत सामान्य उदाहरण हम आपको बताएं। आपने पहले भी दैनिक जीवन में महसूस किया होगा कि आप किसी बस में खड़े हैं और एकाएक बस चल उठी तो आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एकाएक यदि बस चल उठती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है भाई। और यदि किसी चलती बस में आप खड़े हैं और एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए तो आप सामने की ओर गिर जाते हैं, ठीक है भाई। एकाएक ब्रेक लगा दी जाए तो आप सामने की ओर गिर जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिएगा, पहली स्थिति में जब बस विराम अवस्था में थी तो बस के साथ साथ आपका शरीर जो है वो भी विराम अवस्था में था। तो बस जब गतिमान अवस्था में आती है तो विराम के जड़त्व का पालन करते हुए शरीर जो है गतिमान अवस्था में आना नहीं स्वीकार करता, इसलिए शरीर जो है पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक वैसे ही जब बस चल रही है तो बस के साथ साथ आपका शरीर भी गतिमान अवस्था में है, और एकाएक जब ब्रेक लगाया जाता है तो गति के जड़त्व के अनुसार आपका शरीर गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, पर एकाएक ब्रेक लगने के कारण शरीर जो है सामने की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे गति के प्रथम नियम को जानते हुए यह जानना है कि इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम के दो भाग हैं, विराम और गति का जड़त्व, और इससे संबंधित उदाहरण, ठीक है भाई। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं जिसको हम संवेग का नियम कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले संवेग के बारे में बताऊं। संवेग जो है एक सदिश राशि है।
संवेग जो है एक सदिश राशि है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है भाई, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। इसको सामान्यतः P से डोनेट करते हैं तो P इज इक्वल टू MV। अब CGPSC प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2015 में प्रश्न यहां से यह पूछा गया था कि यदि संवेग को वेग से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। यदि संवेग को वेग से विभाजित कर दिया जाए तो क्या बचेगा, तो संवेग को वेग से विभाजित करेंगे तो द्रव्यमान बचेगा। मतलब कि यह सूत्र जो है इसी को ही प्रश्न में पूछा हुआ था। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था द्रव्यमान, मास को प्रश्न का सही उत्तर था। तो प्रश्न कैसे कई प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसमें देखिएगा P इज इक्वल टू MV, संवेग एक सदिश राशि है। P इज इक्वल टू MV, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी संवेग परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। और जो संवेग है और जो संवेग में परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होती है। ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा के अनुदिश होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, तो संवेग परिवर्तन की दर बल के आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। यह गति का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम के माध्यम से, द्वितीय नियम के माध्यम से किसी वस्तु पर, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कितना बल आरोपित करना है तो बल की गणना हो जाती है द्वितीय नियम के माध्यम से। तो इस बल की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, बल की गणना निकालने के लिए अब देखिएगा, हमने कहा ये जो आरोपित बल है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन के, और संवेग में परिवर्तन होगा समय के अनुसार। तो इसको हमने ले लिया F is equal to F, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dP/dt। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो dP/dt है यह परिवर्तन की दर को बताता है समय के साथ। ठीक है, तो ये हुआ आरोपित बल समानुपाती है किसके, संवेग परिवर्तन की दर के। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया के और इसको लिखा dP/dt। यहाँ के क्या है, तो के जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर P इज इक्वल टू हमने अभी आपको बताया था क्या, MV। तो ध्यान दीजिएगा, MV ये हो गया और dT क्यों, क्योंकि P इज इक्वल टू MV अभी हमने बताया था, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान गुणित संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको नहीं बदला जा सकता। तो m जो है बाहर हो जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, ये हो जाएगा Km dV/dt। अब देखिएगा dV/dt, ठीक है भाई, ये dV/dt, तो यहाँ पर एक नया शब्द मिलता है हमको, क्या, त्वरण, एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा, त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, एक तो वेग में वृद्धि हो सकती है, दूसरा वेग में कमी हो सकती है। तो वेग में वृद्धि जब होती है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं और वेग में जब कमी होती है तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में मंदन भी कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, त्वरण जो है एक सदिश राशि है और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है त्वरण। तो त्वरण के सूत्र के रूप में हम बात करें तो त्वरण को a से डोनेट किया जाता है, या फिर त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस कर देंगे इसमें क्या, प्रारंभिक वेग, और बटे समयांतराल या लगा हुआ समय। ठीक है भाई, तो इस तरह से त्वरण को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो dV/dt जो है ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये a के बराबर हो जाता है। बता देंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू dV बाई
डीटी, तो ये क्या है, त्वरण है। तो यहां पर अब कंडीशन लगा है, यदि के इज इक्वल टू वन रख दें तो यह जो फॉर्मूला है ये मिलता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ध्यान दीजिएगा, शब्दों में मैं इसको लिखूं तो आरोपित बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, आरोपित बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। मतलब कि यहां से हमको ये पता चल जाता है कि यदि वस्तु पर बल आरोपित करना है उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए, तो जो आरोपित बल है वह उसके द्रव्यमान और जितनी त्वरण की हमको आवश्यकता है उसके समानुपाती होना चाहिए। या वस्तु को नियंत्रित करना है, जैसे कि संवेग का नियम, मुख्य रूप से क्रिकेट का उदाहरण ले सकते हैं हम, जब क्रिकेट में जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो बॉल को जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है ताकि उसको जो है यहाँ पर जो संवेग में परिवर्तन एकाएक क्या होता है, उस बॉल के वेग में परिवर्तन होता है, मतलब कि काफी तेजी से आती हुई बॉल जो है उसके हाथ में विराम अवस्था में एकाएक पहुंचती है, तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन होता है। तो यदि वो हाथ को पीछे नहीं खींचेगा तो चोट लगेगी और बॉल भी बाहर चला जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, संवेग के परिवर्तन में कमी लाने के लिए हाथ को पीछे खींचता है। तो यह उसका उदाहरण हो जाता है। यह है गति का द्वितीय नियम, जिसको हम संवेग के नियम के नाम से जानते हैं। यहां से F इज इक्वल टू एम ए इस सूत्र की व्याख्या होती है। यहां पर कई सारी चीजें मैंने छोटे छोटे रूप में आपको बताया, एक तो संवेग का नियम हो गया, दूसरा संवेग बराबर हमने आपको बताया, त्वरण के बारे में हमने आपको बताया, त्वरण दो प्रकार के होते हैं, मंदन और त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बटे समयांतराल। ठीक है भाई, फॉर्मेट में इसको हम लिखें तो यदि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी जो है अंतिम वेग है, यू जो है प्रारंभिक वेग है और टी समय है। ठीक है, ये हुआ। अब तीसरे नियम की बात करें, क्रिया प्रतिक्रिया के बल। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल ऐसा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया की जो दिशा होती है वो क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। जैसे आप दीवार पे बॉल को फेंक के मारें तो बॉल वापस आपके हाथ में आएगा, तो आपने जो बॉल को फेंका वो क्रिया थी और बॉल वापस आपके हाथ में जो आया वो प्रतिक्रिया थी। ठीक है भाई, तो यहां पर जो गति का तृतीय नियम है इसको लेकर के मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलता है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका ध्यान रखिएगा, आरोपित बल के परिपेक्ष में इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो F12 मतलब कि दूसरे के ऊपर पहले द्वारा लगाया गया बल जो है वो पहले के ऊपर दूसरे द्वारा लगाया गया बल के बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है, परंतु उसकी दिशा विपरीत होती है और विपरीत दिशा को डोनेट करने के लिए यहाँ पर ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने गति के तीन नियम लिखे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। एक बार हम रिपीट कर दें, प्रथम नियम कहता है जड़ता का नियम, मतलब कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। दूसरा नियम है संवेग का नियम, जो ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा के अनुदेश होती है। तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का बल, मतलब कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया की दिशा जो है आरोपित बल के विपरीत होती है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें जो है ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरणों को भी लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिविजन कर कीजिएगा और एक प्रिपरेशन के बाद जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो आप इत्मीनान से प्रश्न को पूरा पढ़िए, फिर थ्योरी को अप्लाई कीजिए या जो भी नियम आपने समझा है उसको अप्लाई कीजिए, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, गति का समीकरण। तो हम सभी जानते हैं गति के तीन समीकरण हैं। पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, अब यहां पे ये जानना है कि v क्या है, तो v है प्रारंभिक वेग, v क्या है प्रारंभिक वेग है। उसके बाद फिर यहां पर u क्या है, सॉरी v जो है अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। u क्या है, u प्रारंभिक वेग है,
ए क्या है? तो ए त्वरण है, और टी क्या है? तो टी समय है, और एस क्या है? तो एस जो है दूरी है या विस्थापन है। ठीक है भाई, तो ये जो तीन समीकरण है इसको लेकर के कई प्रकार से प्रश्न उठते हैं। तो इस पे ऐसा है कि एग्जामिनेशंस में अभी तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है, पर यदि पीएससी या व्यापम की हम बात करें तो बहुत ही सामान्य न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब कि यदि कोई वस्तु का कोई प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड पश्चात उसका जो त्वरण है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो बहुत आसान है, वी निकालने के लिए 20 प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हो जाएगा आपका 25, 5 क्यूब मतलब कि 125, तो ये वी इज इक्वल टू हो जाएगा 145 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा, मतलब कि प्रश्न जो है बहुत सामान्य प्रश्न पीएससी व्यापम वगैरह में पूछे जा सकते हैं इस सूत्र पर आधारित। पर अभी तक की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है प्रश्नों एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की, तो इसपे हाई ऑर्डर के क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा एक गति का समीकरण के संबंध में सही नहीं है, यानी कि ये तीनों हैं, अब इसको बदल कर और दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखा मिले, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। जैसे इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, या फिर ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, या फिर v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये चारों जो है गति के प्रथम समीकरण की ही व्याख्या करते हैं। द्वितीय समीकरण के माध्यम से हम दिशा, हम दूरी तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय समीकरण के माध्यम से भी हम दूरी त्वरण वगैरह को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कई प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं, क्योंकि पीएससी व्यापम वगैरह में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, आप तीनों समीकरण को याद रखिए। ठीक है भाई, जैसा कि एसीएफ वगैरह की हम बात करें तो एसीएफ वगैरह का भी जो छत्तीसगढ़ में एग्जाम होता है तो उसमें फिजिक्स को लेकर के 30 प्रश्न आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो हम अभी आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करा रहे हैं उसको फॉलो करने से ये 30 क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। ठीक है, तो गति के नियम और गति के समीकरण के ऊपर हमने चर्चा की, गति की ये 3 समीकरण है, इसको और दूसरे तरह से लिख करके भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है भाई, छोटी सी गलती यहाँ पर बड़ी लापरवाही साबित कर सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स का इसका नोट्स और सिनॉप्सिस बना लीजिए, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कार्य वगैरह का, गुरुत्वाकर्षण वगैरह के ऊपर हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर हमको आगे जाकर चर्चा करनी है। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हम ये बताएं, ये जो गति का नियम, गति के जो समीकरण है, यह गुरुत्व के आधार पर क्या होता है या गुरुत्वीय त्वरण के अनुरूप क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या होता है, कोई भी वस्तु, दो चीजें संभव है, पृथ्वी के ओर आती है या पृथ्वी से दूर जाती है। ठीक है भाई, ये पृथ्वी की ओर आती है या दूर जाती है। ठीक है भाई, ये दो चीजें पॉसिबल है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह रिप्लेस हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से, पर कब? तो जी टी, अब देखो ध्यान दीजिएगा, वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है तब यहां पर जी को हमको धनात्मक लेना है, और जब वस्तु नीचे जाती है तो यहाँ पर ऊपर जाती है तब हमको जी को ऋणात्मक लेना है। मतलब कि प्रश्न में यदि पूछा जाए कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तब v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी, और यदि कहा जाए कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तब हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो इसी तरह से बाकी दोनों समीकरण में भी एक और एक को हम जी से रिप्लेस कर देंगे, तो नीचे की ओर आती है यदि वस्तु तो प्लस जी होगा,
और ऊपर की ओर जाती है वस्तु, तो E is equal to minus G से रिप्लेस करके उन्हीं समीकरणों को दोबारा लिखा जा सकता है। तो गुरुत्व के अधीन जब गति होगी तो फिर गति के समीकरण A जो है वो G से रिप्लेस हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस हो जाता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, इसको देखिए और नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए। थैंक यू वेरी मच।